अभी हम खड़े हैं मीठापुर में, आप देख रहे हैं मीठापुर में, ये आर ब्लॉक के पास है और यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है और देखिए लोग नीचे से कैसे आ जा रहे हैं। ये सरेआम अपने जीवन से खिलवाड़ करना है और मौत को बुलाना है, और यही नहीं कि हर उम्र के लोग जो है ट्रेन के नीचे से पार कर रहे हैं, इतनी भी जल्दीबाजी क्यों? ट्रेन लगी हुई है मीठापुर में, और देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जंक्शन से 1 किलोमीटर पीछे है और यहाँ पे लगी हुई है, और देख रहे हैं यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से रिस्क लेकर के ट्रेन के नीचे से पार कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है, आप दुर्घटना भी घट सकती है इस तरह से। तो आइए हम बात करते हैं क्यों ऐसे लोग पार कर रहे हैं, क्यों आते हैं ट्रेन के नीचे से, क्यों आते हैं ट्रेन के नीचे से, क्यों रिस्क लेते हैं? हाँ, जल्दीबाजी के लिए करते हैं, जल्दीबाजी के लिए रिस्क। अगर ट्रेन खुल गई तो बहुत, ये तो ट्रेन खुलने वाले नहीं है इसलिए। अच्छा, ट्रेन खुलने वाली नहीं है, ये आपको पता है? हाँ। एक्सक्यूज मी, क्यों पास करती हैं यहाँ से ट्रेन के नीचे से? ट्रेन लगा हुआ रहता है इसलिए। तो क्यों पार किया? अगर खुल जाएगा तब तो आपके जान को जोखिम पड़ेगा।
क्या कर सकते हैं भाई। क्यों यहाँ ट्रेन के नीचे से क्यों आ रहे हैं? रास्ता नहीं है ऊपर से जाने तो, रास्ता तो फ्लाईओवर है ना, तो जान क्यों जोखिम में डालो? अगर खुल जाएगा ट्रेन तो खुल जाएगा, कैसे खुल जाएगा? सब जा रहा है, सबसे पूछ मैंने, सब जा रहा है तो ये भी जाएंगे, देख लीजिए। बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा, हम लोग जाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मामा आप ऐसे क्यों आ रही हैं? ट्रेन के नीचे से क्यों आ रही हैं? तो रास्ता ही है, रास्ता है तो ये पटरी है ना, ऊपर से नहीं आ सकते, अगर खुल जाएगा तो फिर क्या होगा आपका? हाँ, उम्र भी नहीं है आपका, इस तरीके से क्यों पार करती हैं? मीठापुर, मीठापुर, मीठापुर। पैदल पुल का देख रहे हैं, ये निर्माण होना है, लंब है कार्य में, तो आप देख रहे हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, और आप देख रहे हैं एक दिव्यांग भी यहाँ फंसे हैं, और ये देखिए नहीं पार कर रहे हैं, तो ये अगर बन जाता पैदल पुल तो लोगों को जाने आने में सहूलियत हो जाती। ये दर्द है मीठापुर के लोगों का, इसको काफ़ी घूम करके आना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए लोग शॉर्टकट मारते हैं और ट्रेन के नीचे से आ जाते हैं। पटना नगरिया का एक साल पूरा होने वाला है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।